दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनाने का ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस अभी चल रहा है SSO पर। अभी उसमें अटेंडेंस का ऑप्शन तो आ गया, लेकिन वहाँ पर अपलोड का नहीं आया, वो जल्दी आ जाएगा जैसे ही अपडेट होगा। कि तब तक आप ईमेल पर भेज सकते हैं। अब आपके इसमें सवाल हैं कि कैसे इसमें डेट कैसे भरें, कहाँ से कहाँ तक उपस्थित भरें, उपस्थित में कितने, अनुपस्थित में कितने, ज्वाइनिंग डेट क्या भरें, हमने ज्वाइन किया था या बैक डेट में जाकर भर दें, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ें, वीडियोज़ देखें इंटर्नशिप से रिलेटेड, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। तो देखो, पहले तो ये कि डेट कौन सी ज्वाइनिंग डेट क्या भरें। तो कुछ लोग बोल रहे हैं बैक डेट में जाकर भर लेंगे ताकि पूरे महीने का पेमेंट बन जाए। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे महीने का पेमेंट आप कैसा बनेगा। मान लो आपने 27 को ज्वाइन किया तो आप 27 ही ज्वाइनिंग भरें, क्योंकि सामने वाला कार्यालय वाला भी भेजेगा। मान लो स्कूल ज्वाइन किया तो स्कूल वाले भी भेजेंगे, तो दोनों ने अलग अलग डेट भेज दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मान लो आपने 27 को ज्वाइन किया है, आप उसमें 15 भर देते हो, तो जिला रोजगार कार्यालय बोलेंगे 15 को तो हमने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि आप लोग ज्वाइन करो, तो उनको पता रहता है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने जैसे मान लो 15 को मैसेज आ गया था, लेकिन आपने ज्वाइन किया 28 तारीख को, तो आप 15 के बाद की कोई डेट भर सकते, लेकिन वही डेट स्कूल वाले जहां आप ज्वाइन कर रहे हो वो भी वही सेम डेट भेजने चाहिए कि हाँ इसने इस तारीख को ज्वाइन किया था, समझ रहे हो। तो वो आप सामने वाले की परमिशन से भरें अगर मैसेज पहले आ गया था, तो मैसेज के बाद की डेट भरें। या फिर आप सही तो ये रहेगा, जिस दिन आप ज्वाइन करो उसी दिन की ईमानदारी से डेट भरो। और पेमेंट की बात ऐसी है कि अगर अभी जयपुर से ऑर्डर आए नहीं, बिल जनरेट हो गए, तो जयपुर से हेड ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन आएगी जिला रोजगार कार्यालय को, उसी हिसाब से आपका पेमेंट बनेगा। अगर वो कह देंगे कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है इंटर्नशिप या सहमति दे दी है ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए, उनका जनवरी का पूरा ही बिल बनाओ, तो फिर तो आपका पूरा ही बन जाएगा। प्रॉब्लम उनको आएगी जिन्होंने नो किया है, सहमत नहीं इंटर्नशिप के लिए, तो यस वालों को फिर तो पूरा ही पेमेंट बन जाएगा, ठीक है। उसमें कोई ज्वाइनिंग डेट का लफड़ा नहीं रहेगा, अगले महीने से फिर वो प्रेजेंट देखेंगे कितना रहा कितना नहीं। तो आप लोग ज्वाइनिंग की एग्जैक्ट डेट भरें तो अच्छा है। बाकी आप अपना मैसेज आया है कि ये स्कूल ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन किए, उसके बाद की डेट भर सकते हैं, लेकिन सामने वाला डिपार्टमेंट भी वही डेट भरना चाहिए। दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे इसमें कैसे डेट भरनी है, तो आप ज्वाइनिंग डेट से और लास्ट दिनांक 31 तक तो आप सीधा इसमें भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इसमें उपस्थित और अनुपस्थित में कितना बनना है, तो उपस्थित में आप लोग सारे डेट भरें। उपस्थित में आपकी प्रेजेंट काउंट होती हैं, जैसे मान लो आप संडे है तो संडे की छुट्टी रहती है, तो उसमें प्रेजेंट ही काउंट होती है, आपके पैसे नहीं कटते, तो वो उपस्थित में काउंट होगी, ठीक है। अनुपस्थित में अगर आप लोग एक दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहे हैं ज्वाइनिंग करने के बाद में, तो वो दिन आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जीरो भर सकते हैं। मान लो आपने 16 को ज्वाइन किया 31 तक, और आप 3-4 दिन नहीं गए, मतलब वर्किंग डेज में नहीं गए, और सामने वाले स्कूल या पंचायत समिति वाला भी बोल रहा है कि आप नहीं आए, एबसेंट भेजूंगा इतने दिन की, तो आप इसमें एबसेंट भरें। अगर वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें पूरे ही भेज सकते हैं, मतलब जीरो अनुपस्थित दिखा सकते हैं। लेकिन जो सामने वाला डिपार्टमेंट है, पंचायत समिति स्कूल, वो भी जब वहाँ प्रेजेंट भेजेगा तो उसमें भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम होने चाहिए। उनसे बात करके ही आप इसमें भेजें, उनको बता के कि सर मैं ये इस तरह लिख रहा हूँ उसमें, तभी तो वो साइन और मोहर भी करेंगे। और सरपंच में मोहर साइन आप साथ में करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ग्राम विकास अधिकारी की ज़रूरी है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होता है तो वही होता है ग्राम विकास अधिकारी, उसके चलेंगे, ठीक है। आप सरपंच के करवा दो, किसी ने करवाए थे तो बाद में ऑब्जेक्शन आ गया था, दोनों के करवा लोगे तो दिक्कत नहीं साइन मोहर, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के होना ज़रूरी है। और आपको कोई सवाल है तो आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, चैनल पर जुड़े रहें, कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी। और वेबसाइट विजिट करते रहें, importantplus.site।